सही से ले जाएगा कहीं रास्ते में, कहीं पानी वानी में कुदा देगा रिवर वेयर के अंदर। और वो वाला ट्रैक्टर जो जा रहा है सामने उतना स्लो जा रहा है, उसके चक्कर में उसके पीछे गाड़ी को भी जो है स्लो चलना पड़ रहा है। मुझे जब भी कोई नई चीज़ परचेज करनी होती है तो मैं अपने इस वाले फार्म पे आता हूँ, क्योंकि इस वाले फार्म पे मेरे पास बैलेंस इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ परचेज कर सकता हूँ और बैलेंस की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। और अभी आज जो है मैं इस फार्म पे दो वजह से आया हूँ, एक तो काफ़ी सारी नई चीज़ें आई थी जो मुझे परचेज करनी थी तो उन्हें लेना था मुझे, और वो शोरूम पे आ चुकी है, मैंने ऑर्डर पहले दे दिया था और वो वहाँ से डिलीवरी के लिए रेडी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने ग्रेप्स और ऑलिव्स लगाए थे वो भी हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं, और उन पर भी जो है फ्रूट्स लग चुके हैं, वो भी आज हार्वेस्ट करने हैं। मतलब धीरे धीरे हार्वेस्ट करता रहूँगा मैं, क्योंकि जो है काफ़ी बड़ा खेत है वो वाला, वहाँ पे एक दिन में तो हार्वेस्ट नहीं होने वाला, और इसलिए आज खेतों पे चलना है। और खेतों की तरफ जाने से पहले जो है शोरूम पे मेरे को देखना भी है कि सारा सामान जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है या नहीं आया। और यहाँ से जो है मुझे ये वाली बाइक लेके जानी है, तो इस वाली बाइक को मैं इस वाले ट्रक के ऊपर लोड के लिए जाने वाला हूँ। तो अपना ये जो पिकअप ट्रक है इसमें पीछे दो बाइक्स आराम से आ सकती हैं, तो अभी तो मुझे ये एक बाइक लेके जानी है और एक बाइक मैं यहीं पर छोड़ने वाला हूँ जो वहाँ घर के पास खड़ी हुई है अंदर। तो अभी पहले इसको मैं आगे कर लूँ। तो अभी इस पिकअप ट्रक में बाइक लोड करने के लिए पहले तो मुझे इसका पीछे की डिग्गी खोलनी पड़ेगी, और उसके बाद ये जो रैंप है ये रैंप यहाँ लगाने पड़ेंगे, और इनके थ्रू मैं बाइक ऊपर जो है इसमें लोड करूँगा। अभी रैंप तो सही से लग गया है, अब बस बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ और बाइक को इस पर आराम से जो है ऊपर पार्क कर लेता हूँ। और ये वाली बाइक जो है आराम से इस पर जो है पार्क हो जाती है, मैंने पहले ट्राई करके देख लिया है एक बार। और ये वाला रैंप भी जो है सही है बाइक के लिए, आराम से बाइक जो है दोनों साइड से कहीं से भी इस पर ऊपर चढ़ा लो तो आराम से चढ़ जाएगी, बस आराम से ले जानी पड़ेगी क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुई तो बाइक जो है नीचे गिर जाएगी। बस एक ही बाइक लेके जानी है तो इसको यहीं छोड़ देता हूँ। और वैसे तो इसमें जो है बेल्ट बांधने की ऑप्शन आ रही है, बट बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं है, और पीछे से इसका रैम जो है फोल्ड होके आगे जो है गाड़ी में आ जाता है अपने आप ही। और ये डिग्गी बंद कर लूँ बस, और अगर बेल्ट बांधनी है तो मैं बाइक में जो है बेल्ट भी बांध देता हूँ। ये बेल्ट भी बांध दी तो बाइक जो है और सिक्योर रहेगी। और अब यहाँ से जो है और कुछ तो मुझे लेके जाना नहीं है, पर एक और सुपर कार अपने यहाँ पर डिलीवर हो चुकी है, वो बाहर पार्क को रखी है, मैं उसे भी दिखा देता हूँ। और वो सुपर कार काफ़ी ज़्यादा सही है, और जैसी अवेलेबल हुई मैंने जो है परचेज कर ली, और ये सामने खड़ी हुई है यहाँ पे, एक बार मैं इसे भी जो है अंदर पार्क कर जाता हूँ। और ये वाली सुपर कार जो है ये है फरारी F8 ट्रिबिटो, और ये जो है काफ़ी सही है। और अभी ये फरारी की दूसरी सुपर कार है जो अपने यहाँ शोरूम पर अवेलेबल हुई है, और बाहर से तो इसकी लुक जो है काफ़ी सही है, और इसके अलॉय जो है काफ़ी ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि अब गाड़ी चलती है तब तो कुछ ज़्यादा ही सही लगते हैं। और बाकी इस गाड़ी के इंटीरियर वगैरह भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और इस गाड़ी की टॉप स्पीड भी 330 से ऊपर की है, और इंटीरियर भी इसके जो है बिल्कुल मॉडर्न वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा चेंज है अपनी जो पहले फरारी है उससे तो जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अब पता नहीं उससे जो है थोड़े पुराने स्टाइल के हैं या नए स्टाइल के हैं, बट डिफरेंट तो लग रहे हैं। और इस गाड़ी की पार्किंग मुझे अभी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है तीन सुपर कार की पार्किंग है और तीनों मैंने यहाँ पार्क कर रखी है, तो इसको जो है यहीं पर अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही पार्क कर देता हूँ, और बाद में जो है इसको वैसे मैं सामने वाली पार्किंग में पार्क कर सकता हूँ वहाँ पे, और वैसे या जो है मैं इन दोनों गाड़ियों के साथ में ही पार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे भी जो है जगह है। अब एक बार मैं पहले शोरूम पे देख लूँ कि मेरा जितना सामान मैंने मंगाया था वो सारा का सारा अवेलेबल हुआ भी है या नहीं हुआ, और अगर कुछ रह गया होगा तो फिर उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे जहाँ तक है सारा सामान आ गया जो मैंने ऑर्डर दिया था। और इस वाले पिकअप ट्रक की लेंथ इतनी है कि मेरे को लग रहा है इसमें दो की जगह चार बाइक भी आ सकती है, कि पीछे जो है एक बाइक के पीछे एक बाइक पार्क हो जाएगी और एक एक साइड में पार्क हो जाएंगी, तो चार बाइक तो मेरे को लग रहा है इसमें इजीली आ जाएंगी। और ये वाली ट्रैफिक लाइट मैंने आज बंद कर रखी है, इसकी आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज खेतों पे काम करना है, यहाँ पे तो काम करना नहीं, तो क्यों ट्रैफिक को बार बार रोकना, क्योंकि मेरे को यहाँ से अपने काव बांध से उधर की तरफ रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, इसलिए मैं जो है ट्रैफिक लाइट को आज बंद ही कर दिया। और इस पिकअप ट्रक का फ़ायदा ये है कि इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर भी ईजिली उतर जाता है, ये आराम से उतर गया है, यहाँ पर भी कहीं नहीं फंसता है, अभी तक तो एक बार भी नहीं फंसा है, बस थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है पीछे लोड करने पे ज़्यादा चीज़ें, बट फंसता नहीं है, मतलब निकल जाता है कहीं से भी। और ये अपना सामान यहाँ पे आ चुका है, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है सारा सामान आ ही गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये तो जो है अपना कैंपिंग वाला ट्रेलर है जो मैंने एक छोटा सा मंगाया था, क्योंकि वहाँ खेतों पर काम करना होता है, वहाँ पर कोई रुकने की जगह नहीं है। और ये जो है थोड़ा गंदा सा लग रहा है, या फिर इसका पेंट ही ऐसा है। और ये इसमें यहाँ पर जो है ये गैस वगैरह के सिलेंडर रखे हुए हैं। और ये वाली गाड़ी जो है लैंड रोवर की पुरानी विंटेज मॉडल है, ये 70s का मॉडल है, और ये पूरी कस्टमाइज है, और ये मैंने मंगाई है इसके लिए, इस ट्रेलर को खींचने के लिए, ताकि मैं इस ट्रेलर को खींच सकूं। और एक ये विंटेज ट्रैक्टर मंगाया है, ये काफ़ी ज़्यादा सही लगा था मुझे। और ये जो है कोई यूज़ के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पावर बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी टॉप स्पीड भी जो है 6 किलोमीटर के आसपास ही है, मतलब 10 की भी टॉप स्पीड नहीं है। तो ये बस मैंने जो है ऐसी अपने फार्म पे डेकोरेशन के लिए मंगाया है,
और ये मंगाई है मैंने एक बड़े वाली क्रेन, और ये क्रेन की अभी अटैचमेंट मेरे को यहाँ दिख नहीं रही, इसकी अटैचमेंट आती है काफ़ी सारी, ये ऐसे तो काम करती नहीं है, मतलब ऐसे तो नॉर्मल खाली ये बेसिक ही है, इसमें अटैचमेंट लगेंगी अलग अलग काम के लिए तब ये यूज़ में आएगी। और ये क्रेन जो है सबसे पावरफुल क्रेन है, और वैसे जो है इसकी अटैचमेंट अभी आई नहीं है, तो इसकी अटैचमेंट आ जाएंगी तब इसे लेके जाऊंगा। और ये इसमें ऊपर केबिन है क्रेन को कंट्रोल करने के लिए, और एक केबिन ये है क्रेन को चलाने के लिए, और ये ऊपर वाला शायद हाँ पूरा खुल जाता है, मूव भी हो जाता है, और ये जो है बंद भी हो जाता है। और इस क्रेन का भी देख लूँ, क्रेन का भी ये जो है पीछे का ये भी मूव हो जाता है, और ये जैसे जो है अभी ऊपर लिफ्ट हो रहा है, इसमें आगे अटैचमेंट लगेगी तब जाके ये जो है सही से काम करेगा। केबिन में ऊपर चढ़ने का रास्ता तो अभी है नहीं, इसके साथ जो है लैडर तो लगी हुई है, बट शायद इसको नीचे करना पड़ेगा, इसको बाद में चेक करेंगे जब इसकी सारी अटैचमेंट आ जाएंगी। और एक ये जो मैंने ट्रैक्टर टाइप का से मंगाया है, ये एक्चुअल में ट्रैक्टर नहीं है, ये पुरानी जो ट्रेन होती थी, जो डीजल वाली ट्रेन होती थी, उसका इंजन है, और इसको जो है रोड पर चलाने के लिए बनाया हुआ है। वैसे इसमें नॉर्मली जो है ऐसे ये ट्रैक पर चलती थी, बट ये पुरानी थी और कबाड़ में पड़ी हुई थी, तो अपना जो मैकेनिक था जिससे मैंने वो कबाड़ वाली गाड़ी बनवाई थी, उसने जो है ये वाला बना के दे दिया। पीछे इसमें ये जो है ट्रैक्टर वाली अटैचमेंट लगा दी है, ताकि इसमें ट्रॉली वगैरह या फिर ट्रैक्टर का जो भी कुछ अटैच हो सकता है वो इसमें पीछे अटैच कर सकूं, और इसे जो है ट्रैक्टर की तरह यूज़ में ले सकूं। और इसके अलावा एक और ऐसा ही कबाड़ से बनाई हुई चीज़ है, वो है ये वाली बाइक, और ये जो है इसमें आगे दो टायर है और पीछे एक टायर है। आगे दो टायर तो ट्राई बाइक बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं, बाकी ये है पुरानी, इसकी सीट वीट भी फटी पड़ी है। इसका इंजन भी जो है उसने चेंज कर दिया है, इसमें इंजन भी बाइक वाला नहीं है, इसमें इंजन भी मेरे को ट्रक या ट्रैक्टर वाला सा ही लग रहा है, कोई छोटे ट्रैक्टर का इंजन है शायद, आवाज़ तो ऐसे ही कर रहा है, और टॉप स्पीड तो इसकी 140 की है। और ये मेरे को लगता है इसकी हैंडलिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा सही होगी, क्योंकि आगे दो टायर है ना, और टर्बो वगैरह लगी हुई है, इसका इंजन तो जो है काफ़ी सही सा लग रहा है, इसको बाद में चलाऊंगा अभी। और ये है लॉन मूवर, और ये लॉन मूवर मैंने मंगाया है अपने फार्म के लिए, वहाँ पे जो मैंने पार्किंग वगैरह लगाई है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास हो रही है, तो वहाँ के लिए मैंने ये वाला लॉन मूवर मंगा लिया, इस पर पीछे खड़े होके आराम से घास काट सकते हैं। और उसकी स्पीड भी ठीक है, 21 किलोमीटर की स्पीड तक चल लेता है ये। और उसके अलावा ये हो गया, इधर हो गया, और एक ये नई गाड़ी आई है, दो गाड़ियाँ नई ऑर्डर की थी, तो फरारी थी और एक ये जो है सुपर्ब है, ये सुपर्ब भी यहाँ पे आ चुकी है, और ये काफ़ी सही लगती है और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, तो ये भी जो है मैंने मंगा लिया है। इसकी टॉप स्पीड 205 की है, और बाहर से तो जो है इसकी सब चीज़ नॉर्मल है और बढ़िया लग रही है, सिंपल है बिल्कुल एकदम, और लाइटें तो उसमें LED वाली हैं, ये लाइटें हो गई इसकी, और इसके इंडिकेटर जो है ऑन कहता हूँ, इंडिकेटर क्यों काम नहीं कर रहे इसके, तो इसके टर्निंग इंडिकेटर्स का देखना पड़ेगा। और ये अंदर से इंटीरियर तो जो है इसके सिंपल है बट सही लग रहे हैं, स्टैंडर्ड के हैं, और इसकी लाइट इंडिकेटर वाली काम नहीं कर रही, उसमें थोड़ा सा इशू है, तो वो देखना पड़ेगा। पार्किंग लाइट्स भी इसकी काम नहीं कर रही, और इसे जो है फार्म पे लेके जाना है। और एक ये ट्रैक्टर आया है, ये ट्रैक्टर जो है नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है, तो मैंने ये वाला ट्रैक्टर भी ले लिया, और इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो आवाज़ से पता चल रहा होगा, और इसका इंजन है भी पावरफुल, 82 BHP का है, और मेन बात यह है कि ये काफ़ी सही परफॉर्म करता है। और ये अभी तो जो है ओपन है पूरा का पूरा, और इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह भी आती है, जैसे ये साइड में बैठने के लिए ये मैंने अलग से लगवाया है, और ये जो पीछे इसमें लगा हुआ है ये रोल ओवर बार है, यही मैंने अलग से लगवाया है, और बाकी मैंने इसका एक पेंट चेंज करवाया था, पेंट इसका दूसरा आ रहा था बाय डिफॉल्ट, तो मैंने इसका पेंट चेंज करा के ये वाला पेंट ले लिया था। और इसके अलावा वैसे मैंने और कुछ तो ऑर्डर नहीं किया था, एक और चीज़ ऑर्डर की थी, ओ ये था यहाँ पे है, ये मैंने ऑर्डर किया था डाई साइकिल, इसको डाई साइकिल बोलते हैं, और इसमें नीचे जो है इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, और इसे चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, और इसकी स्पीड भी 40 की है, मतलब मैं इसे कहीं भी ले आ सकता हूँ, ये आराम से चला जाएगा, बाकी इसकी हैंडलिंग को थोड़ा सा अभी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये हल्का सा ही इधर उधर मोड़ने पे मुड़ जाता है, जैसे ये मुड़ गया आराम से, और ये पूरा गोल गोल घूम जाता है, और ऐसे तो जो है ज़्यादा ही गोल घूम गया ये। इसे मैं फार्म तक लेके चलूँगा अभी ऐसे चला के ना, तो इसको यहाँ पार्क करता हूँ, और बाकी अपने जितने व्हीकल हैं उनके लिए मैं ड्राइवर्स बुलाता हूँ, ड्राइवर्स लेके जाएंगे एक साथ इकट्ठा। और अभी तो जो है मुझे फार्म पे वहाँ पे ग्रेव्स को हार्वेस्ट करने के लिए भी जो है हार्वेस्टर लेके जाना है, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ओलिव्स का और ग्रेव्स का एक ही हार्वेस्टर आता है, वो देख लेता हूँ, वैसे अलग अलग शो कर रहा है, बट मुझे लग रहा है ग्रेव्स वाला हार्वेस्टर ही जो है ओलिव्स को भी हार्वेस्ट कर सकता है। तो ये है ग्रेव्स वाला हार्वेस्टर, और इसमें जो है ज़्यादा कुछ ऑप्शन तो आती नहीं, सब कुछ तो इसमें नॉर्मल ही है, बस टायर के ब्रांड चेंज कर सकता हूँ, टायर के इसमें ब्रांड का क्या करना, और इसका मॉडल नंबर है 9070L, और सेम ऐसा ही ओलिव्स के लिए भी आता है, बट ओलिव्स वाले का जो है मॉडल नंबर 9090X है, बट ये मेरे को दोनों देखने में सेम ही लग रहे हैं, इनमें कोई फ़र्क तो लग नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ अभी एक ही लेके चलता हूँ ग्रेव वाला, इससे देखते हैं दोनों अगर हार्वेस्ट हो गए ठीक है, नहीं तो ओलिव्स के लिए फिर बाद में आके एक और ले जाऊँगा, तो इसको तो सीधा बाय करना है, बाकी इसमें अपग्रेड कोई ऑप्शन है नहीं,
2,42,000 यूरो का है, तो इसे बाई कर लिया और अब ड्राइवर को बुलाना है इन सब व्हीकल्स को भेजने के लिए। बट उससे पहले मैं जो है इसे अटैच कर देता हूँ इसके साथ, और इस गाड़ी में पीछे हाँ ट्रेलर ही साथ में आई है क्योंकि ये गाड़ी जो है इसी के हिसाब से कस्टमाइज हो रखी है। ओ इंजन तो इसका काफ़ी सही साउंड कर रहा है, अंदर से ये बिल्कुल बेसिक होगी क्योंकि ये 70s का मॉडल है, उस टाइम गाड़ियाँ ऐसे ही आती थी, उस टाइम के हिसाब से तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसको थोड़ा रिवर्स करके लेके आना पड़ेगा दूसरी साइड। और उसके टायर जो है काफ़ी सही रखे हुए हैं ऑफ रोडिंग के हिसाब से। इसमें जो है ये पीछे ट्रेलर अटैच कर लिया और अब इसे यहाँ छोड़ देता हूँ, और यहाँ से जो है ये वाला ट्रैक्टर भी खेतों पे जाएगा, ये वाली गाड़ी भी खेतों पे जाएगी, और ये वाली गाड़ी भी खेतों पे जाएगी, और ये जो है अपने घर के पास जाएगा, इसे मैं बाद में लेके जाऊँगा, और ये गाड़ी भी जो है घर के पास जाएगी, या फिर इसे पहले फार्म पर लेके चलूँ। फार्म पर वैसे इतना कोई यूज़ तो है नहीं, वहाँ पर और पिकअप ट्रक खड़े हुए हैं, और ये भी जो है घर के पास ही जाएगा, ये भी ऐसा शॉप ही यूज़ करना है मेरे को, इसको तो मेरे को भेजना है खेत में हार्वेस्ट करने के लिए, तो इसके तो ड्राइवर असाइन कर देता हूँ। इसके लिए लोकेशन मार्क कर दी अपने जो है ओलिव्स के खेत के कॉर्नर पे, और इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये आ गया, ये इसको लेके जा रहा है, और ये बाकी व्हीकल्स जो भेजने हैं उनके लिए भी ड्राइवर असाइन करता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए कर देता हूँ, इसको भेजता हूँ यहाँ से ट्रेलर को। इसके भी जो है पोजिशन वैसे वही रहने वाली है और वो मार्क तो हो रखी है, तो इसको भी जो है सीधा स्टार्ट ही कर देता हूँ। ये कौन लेके जा रहा है? ओ ये तो जो है लेडी ड्राइवर आई है, ये सही तरीके से ले जाएगी, ये काफ़ी सही से काम करती है। और क्या हो गया ले जा इसको, किस वजह से ब्लॉक हो रही है, इस ट्रैक्टर की वजह से? बिल्कुल एकदम जगह पड़ी तो है, इतने जगह में तो आराम से निकल जाता। अब ले जा, ये इसकी वजह से भी नुकरी, इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा ये रास्ते में आ रहा है, ये लो। क्या हो गया? मैं बिल्कुल ही बाहर निकाल के देना पड़ेगा, हट मैं बाहर निकाल के देता हूँ। ये दूसरे वाला आ गया, ये ले जाएगा या ये भी उड़ा देगा यहाँ पे। अबे क्या है ये फंसा फंसा के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। क्या है ये? अच्छा ले जाना, हटा तो दिया। सही से ले जाएगा ये कहीं रास्ते में, ये कहीं पानी वानी में कुदा देगा रिवर वेयर के अंदर। हरकतें तो मुझे इसकी ऐसी ही लग रही है। और इस वाली बाइक को खेतों पे भेज रहा हूँ, वहीं पे इसका कुछ ट्राई कर लेंगे, ये खेतों के लिए ठीक है। सारी व्हीकल्स के लिए खट्टा ड्राइवर बुला लेता हूँ। तो ये वाला ट्रैक्टर पर मैंने वर्कर साइन कर दिया, इसको जो है अपने घर के पास छोड़ दिया जाएगा ये, और एक जो है इस वाले ट्रैक्टर के लिए कर दिया, और ये इस वाले ट्रैक्टर को लेके जा रहा है, और ये इतनी स्पीड से ही जाएगा क्योंकि यही मैक्सिमम इस ट्रैक्टर की स्पीड है। पता नहीं कब पहुँचेगा सामने ये वैसे अपना घर, बट इस स्पीड से तो जो है ये शाम तक पहुँच ही जाएगा। और इस वाली गाड़ी को तो मैं खुद लेके जाने वाला हूँ, ये भी जो है मैं खुद ही लेके जाने वाला हूँ, और इस वाली गाड़ी को अभी, अरे कहाँ अड़ गया ये, इधर कहाँ उल्टा घुमा के लेके जा रहा है। अरे भाई चल नहीं रहा क्या तेरे से? सारी चीज़ें टाइम पड़ेंगी आगे से। चल अब तो ले जा, अब भी लेके जा रहा ये इस वाले ट्रैक्टर के चक्कर में रुक रहा हुआ। भाग ही गया छोड़ के, दूसरे ड्राइवर को बुला लेता हूँ और उसको पहले मैं सीधा करके पार्क कर दूँ। और इसकी आवाज़ कैसी है स्कूटर जैसी है? तो ये ट्रेन का इंजन, इसमें आवाज़ स्कूटर जैसी आ रही थी स्टार्टिंग में, अब तो फिर भी ठीक आ रही है, अब तो थोड़ी हैवी सी आ रही है, और बिल्कुल एकदम लोहे के सारे पुर्दे पुर्दे की आवाज़ आ रही है इसकी। और इसमें तो जो है स्टेयरिंग भी नहीं है, हैंडल भी जो है ट्रेन वाला ही है, इसमें ही जो है उसने स्टेयरिंग बना दिया एक को आगे पीछे करने के लिए। तो मैकेनिक काफ़ी जुगाड़ हुआ है, इसने जो है सही जुगाड़ बना दिया इसको चलाने के लिए। आगे पंखा तो इसमें काफ़ी तेज लगा हुआ है, और इंजन तो सब कोई नीचे ही है, छोटा ही इंजन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब बस यहाँ से ड्राइवर को भेज देता हूँ, भेज तो दिया, और ये लेडी ड्राइवर सही से लेके जाएगी, ये तो काफ़ी सही काम करती है। और वो वाला ट्रैक्टर जो जा रहा है सामने, उतना स्लो जा रहा है, उसके चक्कर में उसके पीछे गाड़ी को भी जो है स्लो चलना पड़ रहा है। और अब जो है इन्हें मुझे खुद लेके जाना है, तो इनमें से जो है अभी जो है इसको मैं लोड कर लूँ इसके अंदर, या एक ट्रेलर मैं यहाँ से ले ही लूँ। वैसे ट्रेलर जो है एक खेत के पास खड़ा हुआ है, उस ट्रेलर को मैं ले आऊँगा, तो वहाँ से ये जो है गाड़ी भी चली जाएगी, ये भी चला जाएगा। और वैसे गाड़ी को तो मुझे जो है यहीं लेके जाना है घर के पास, तो इसको तो यहीं रहने देता हूँ। और ये जो है ये वाली बाइक जाएगी, ये वाला ट्रैक्टर जाएगा, ये जाएगा, और ये भी जाएगा, और ये वाला पिकअप ट्रक जाएगा। अभी पिकअप ट्रक लेके चलता हूँ उधर, छोड़ के आता हूँ, और वहाँ से जो है एक ट्रेलर लेके आता हूँ, उस ट्रेलर से जो है
इन सारे सामान को लेके चला जाऊंगा। और अभी रास्ते में देख भी लूंगा कि रास्ते में जो अपने ड्राइवर्स हैं वो कहीं अटके ना खड़े हों। और दो ड्राइवर्स तो घर की तरफ गए हैं पुराने विंटेज ट्रैक्टर्स को लेके, वो तो शायद नहीं अटकेंगे, उधर तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। और इधर जो है रास्ते में एक और चीज़ भी है जो मुझे दिखानी है, और जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इस वाले फार्म के, कि यहाँ पे इस रिवर के लिए मैं कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ और मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया है। यहाँ पे एक छोटी सी सबमरीन है जो रिवर के ऊपर भी चल सकती है और रिवर के अंदर भी चल सकती है, और मैंने उसको टेस्ट भी किया था और मैंने उसको यहीं कहीं छोड़ रखा है उस साइड। लेकिन पहले मैं ट्रक को ना यहीं पार्क कर दूँ साइड में और दिखाता हूँ उसे। वैसे दिख गई सामने है वो, वहाँ पर जो है पार्क हो रखी है, ये सामने वहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस रिवर से मैं तैर के पार कर लेता हूँ इस साइड और फिर ये वाली सबमरीन दिखाता हूँ। ये छोटी सी सबमरीन है, सिर्फ इसमें जो है एक ही पर्सन बैठ सकता है और वैसे है ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। तो ये है सबमरीन और इसमें जो है बैठ के काफ़ी सही लग रहा है। और इसमें ऑप्शन ये है कि मैं इसको जो है रिवर के ऊपर भी चला सकता हूँ और कितनी गहराई में भी ले आ सकता हूँ। अभी तो जैसे ये रिवर के अंदर चली गई सीधा, और मैं इसे चाहूँ तो ऊपर भी ला सकता हूँ। और पता नहीं डू नॉट ड्राइव टू डीपली का मैसेज क्यों आ रहा है, ये तो बनी रिवर के अंदर चलने के लिए है। और अभी मैं रिवर के अंदर हूँ और रिवर के अंदर से बिल्कुल साफ दिख रहा है बाहर का, और नीचे तो रेत वगैरह है काफ़ी ज़्यादा। और वैसे मैं ना इसे पानी के ऊपर चलाता हूँ तो थोड़ा सा इसे लिफ्ट करता हूँ, उसमें ऑप्शन है पानी के ऊपर चलाने की। और ज़्यादा ऊपर लाएंगे ये ऑप्शन तो उसमें है नहीं, मतलब ये चलेगी पानी के अंदर ही, पानी के बाहर तो अभी आ नहीं रही। तो इधर मैं कॉर्नर पर चलाऊँ तो ये थोड़ा पानी के ऊपर चल लेगी, यहाँ पर ऐसे चला सकता हूँ पानी के ऊपर, ऐसे ठीक है, यहाँ पे जो है सही लग रही है। बाकी जो है इसको ट्राई बाद में करेंगे, ये अभी जो है अंडर टेस्टिंग है तो इससे जो है ज़्यादा पंगे नहीं लेते। वैसे यहाँ पे टेस्टिंग करने में कोई इतना इशू नहीं है, ये रिवर जो है इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, बट आगे जो है एक पॉन्ड टाइप का है वो थोड़ा ज़्यादा डीप है, वहाँ पर चल के देखेंगे इसको चला के एक बार। और अभी पार करके मुझे उधर जाना पड़ेगा, और इधर वैसे ये दूसरी बोट्स तो खड़ी हुई हैं बट ये बताएं चलती कब है, इनकी शायद टिकट विकेट लेने पड़ते होंगे, और अभी शायद टूरिस्ट सीज़न नहीं है इसलिए चल नहीं रही, जब यहाँ पे टूरिस्ट सीज़न होगा तब चलती होंगी। और आज तो जो है चर्च में बैल ऊपर बज रही है, चर्च वहाँ पे जो है ऊपर है वो जी सामने, वहाँ से बैल की आवाज़ आ रही है। और ये बूढ़ी अम्मा क्या कर रही है यहाँ पे, वॉक पे निकली है, और ये तो अपना ड्राइवर है, ये अपने यहाँ काम करता है, इधर क्या करने आया हुआ है, इधर शायद आइसक्रीम खाने आया होगा, यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह रखी हुई है। कोई नहीं, इसकी छुट्टी का दिन है आज, बाकी ड्राइवर तो मैंने काम पर लगा रखे हैं, इसको घूमने देते हैं यहाँ पर, इसको भी जो है छुट्टी इन्जॉय करने देते हैं। वैसे मार्केट यहाँ पे काफ़ी सही है, इधर रेस्टोरेंट भी है एक यहाँ पे, ये बाहर की साइड टेबल वगैरह लगी हुई है इसकी। और जो मैंने हार्वेस्टर भेजा था वो यहाँ पे आ चुका है, और अपना कैंपिंग ट्रेलर भी यहाँ पे आ चुका है, इसको तो फिलहाल जो है इधर कहीं पे ही पार्क कर देता हूँ। और यहाँ से जो है ये कैंपिंग ट्रेलर हार्वेस्टर को बीच में छोड़ के चले गए, इसको तो थोड़ा सा आगे पार्क करूँ रोड से हटा के, और हार्वेस्टर को तो मुझे जो है अभी ग्रेप्स हार्वेस्ट करने के लिए लगाना है। और ये अपना चिकन कूप भी देखना है, इसको भी मैंने देखा नहीं है लास्ट टाइम लगाने के बाद, इसमें वैसे थोड़े से ही चिकन से, अभी ज़्यादा तो मैं लाया नहीं था। और जो है अभी चेक कर लेंगे इसको एक बार, पहले मैं यहाँ पे ग्रेप्स हार्वेस्ट कर लूँ। और वैसे मैं इस हार्वेस्टर से चेक भी कर लेता हूँ कि इसी हार्वेस्टर से ऑलिव्स भी निकल सकते हैं या निकल सकते हैं, क्योंकि ग्रेप्स तो इससे निकल जाएंगे बट ऑलिव्स वाले का मॉडल नंबर थोड़ा दूसरा आ रहा था, तो उसका चेक करना पड़ेगा कि उसका काम इससे होगा या नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो मैं अभी ट्रेलर तो लेके आऊँगा ही, उसमें दूसरे वाला भी जो है लोड कर लाऊँगा। ये ऑलिव्स का है, और पहले इसको जो है अनफोल्ड करूं, अनफोल्ड करके इसकी जो है हाइट ऊपर हो गई, और इसको मैंने ऑन कर दिया तो इसका अंदर वाला ये जो है मूव करने लग गया है, और ये थोड़ा सा जो है वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इसको हिला हिला के यहाँ से ये फ्रूट्स को निकालता होगा, और अभी बिल्कुल सेंटर में ले आना पड़ेगा इसके जो है ना ट्री को। वैसे तो मेरे को लग रहा है काम कर लेगा, नहीं इस पर नहीं काम कर रहा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ डिफरेंट है इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो ऑलिव्स वाला अलग मॉडल नंबर आ रहा था, वो अलग ही परचेज करना पड़ेगा। इसको तो बंद कर लूँ हार्वेस्टर को, और एक बार मैं ऑलिव्स को पास से देख लेता हूँ। तो इन वाले ट्रीज पे ऑलिव्स ये लगे हुए हैं बीच में जो गोल गोल छोटे छोटे हैं, ये ऑलिव्स हैं, और यही जो है हार्वेस्ट करनी है मेनली। और अब चल के ना एक बार ग्रेप्स भी देख लेता हूँ, और इसको उधर ही ले चलता हूँ। ये आ गया ग्रेप्स का फील्ड, और पहले ग्रेप्स को देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत की है जब जाके ये ग्रेप्स लगे हैं, और ये ग्रेप्स देखने में कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और ये लाइन से लगे हुए हैं, और सिर्फ नीचे वाली लाइन में लगे हैं, ऊपर तो नहीं लगे, ये शायद ऊपर जो है नेक्स्ट ईयर लगे,
क्योंकि ये जो है पेड़ तो काफी बड़ा है, ये थोड़ा ऊपर की तरफ भी लगने चाहिए थे, बट इसकी फर्स्ट जो है प्रोडक्शन है तो थोड़ा सा शायद इसलिए कम ग्रेप्स लगे होंगे, अगली बार ज्यादा ग्रेप्स लग जाएंगे। और अब जरा इन्हें हार्वेस्ट करके भी देख लेता हूँ, एक बार चेक भी हो जाएगा कि हार्वेस्टर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और बिल्कुल सीधा करके इसको चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इनको हार्वेस्ट करने में, क्योंकि इसमें जो है सारा काम मैन्युअली करना पड़ेगा, वर्कर मैं साइन नहीं कर सकता और थोड़ा सा भी जो है टेढ़ा बेढ़ा नहीं कर सकता, बिल्कुल इसको सेंटर में रख के चलाना पड़ेगा। ये सेंटर में रख लिया और थोड़ा सा अब इसे पीछे लेके आता हूँ और पहले इसे ओवन करता हूँ। ये ओवन कर दिया और अब इसने जो है यहाँ से ये ग्रेप्स के ट्री को ऐसे हिला हिला के ये ग्रेप्स को जो है नीचे गिरा रहा है, और फिर ग्रेप्स इसमें आने लग जाएंगे। जैसे अभी ग्रेप्स आने लग गए, ऊपर की तरफ तो नहीं आए, अभी आ जाएंगे कन्वेयर बेल्ट से ऊपर की तरफ भी। ये ऊपर से पत्ते फेंक रहा है। ओके, तो ग्रेप्स ये आगे स्टोर कर रहा है कहीं पे ना, इधर दिख रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पे साइड से निकल रहे हैं ग्रेप्स, और बाद में जो है इन ग्रेप्स को मैं किसी ट्रॉली में खाली कर सकता हूँ। ये इधर से ग्रेप्स गिर रहे हैं, ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं, तो सही है, ये जो जितने भी पत्ते वगैरह तोड़ रहा है वो सारे वापस यहाँ गिर रहा है, तो अपने ग्रेप्स जो है साफ होके इसमें कलेक्ट हो रहे हैं। और जो है इससे टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, और ये अटकेगा भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे हल्का सा भी टेढ़ा किया तो अटक गया, इसको बिल्कुल सेंटर में रख के धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, इसको तो मैं जो है कर ही लूँगा बाद में, अभी जो है वहाँ से जो सामान लेके आना है वो ले आऊँ, और ओरलिव्स वाला हार्वेस्टर भी ले आऊँ, और जो सामान मुझे शोरूम से यहाँ पे लेके आना है उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे ट्रक्स और ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे, बट एक ट्रैक्टर नया आया है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रैक्टर है। अभी तक जो ट्रैक्टर मेरे पास है एक ऑटोनोमस वाला है वो तो 1700 BHP का है, बाकी जितने भी मैनुअल वाले हैं वो मैक्सिमम शायद 1100 BHP तक गए हैं, बट वो मैनुअल वाला है और वो 1500 BHP का है, और उसके टायर्स भी जो है थोड़े डिफरेंट तरीके के हैं। अभी जो मेरे पास बड़े से बड़ा ट्रैक्टर है उसमें जो है ट्विन टायर्स हैं, और टोटल मिला के उसमें जो है 8 टायर्स हो जाते हैं, 4 आगे 4 पीछे, बट उसमें ट्विन टायर्स हैं और उसमें टोटल मिला के जो है 12 टायर्स हैं, उसमें जो है 3 लाइन है टायर्स की, तो मैं सोच रहा हूँ वो वाला जो है ट्रैक्टर परचेज करता हूँ। तो ये वाला ट्रैक्टर है वो, और इसका नाम है ट्राइसिक्स फैंड का है ये, और इसमें जो नॉर्मल इंजन आता है वो 540 हॉर्स पावर का आता है, बट इंजन अपग्रेड करने की ऑप्शन है, और ये वाला इंजन 1500 हॉर्स पावर का हो गया। और इसमें व्हील सेटअप में जो है ये सिंगल टायर आते हैं 3 लाइन में, बट मैं इनको ट्विन टायर कर सकता हूँ, और ये ट्विन करके यहाँ पे 12 टायर्स हो गए, 4 आगे हैं 4 बीच में और 4 पीछे हैं। और ये ट्रैक्टर जो है थोड़ा हैवी डिफरेंट तरीके का, इसकी लेंथ ज़्यादा है, उसका केबिन बीच में है, इतना ही पोर्शन इसका आगे है उतना ही पोर्शन पीछे है, और जहाँ तक है मुझे लगता है इसकी सीट और ये स्टेयरिंग भी जो है रोटेट होते हैं, ये दोनों साइड चल सकता है, क्योंकि ऐसे वाले ट्रैक्टर भी आते हैं जिनका स्टेयरिंग और सीट रोटेट हो जाती है और पीछे की तरफ हो जाती है, और पीछे की तरफ से भी चला सकते हैं। बाकी जो है इसमें ऑप्शन तो और कोई नहीं आ रही, इसमें टायर की ऑप्शन आ रही है, इसमें एक बहुत बड़े वाले टायर भी आते हैं, वो सिंगल सिंगल होते हैं, ये गुड़ियर के ये वाले टायर, और ये जो है एक टायर ही 2 टायर्स के बराबर है, और ये वाले टायर भी वैसे अच्छे लग रहे हैं, बट मेरे को लग रहा है कि ये ट्विन टायर्स में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला जो ट्विन टायर्स का सेटअप है ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। बाकी कलर तो इसका मुझे यही लेना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट है 333,000 यूरो, तो इसको तो वही ही कर लेता हूँ, ये अपना सबसे बड़ा ट्रैक्टर हो जाएगा और सबसे पावरफुल ट्रैक्टर भी हो जाएगा मैनुअल ट्रैक्टर्स की बात करें तो। और इसके अलावा एक ये वाला ट्रेलर आया है, ये ट्रेलर जो है 40 फीट लंबा है और काफ़ी बड़ा ट्रेलर है ये, बट ये ट्रैक्टर में शायद अटैच नहीं होगा, जो इसके साथ में ये वाली अटैचमेंट है ना ये जो है ट्रक वाली है, बट एक आती है डोली जो ट्रैक्टर से ट्रक वाली चीज़ें भी जोड़ सकती है, तो वो बीच में लगा लूँगा तो ये ट्रक वाली अटैचमेंट भी जो है ट्रैक्टर से अटैच हो जाएगी, और वैसे जो है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है तो उस पर काफ़ी सारा सामान आ जाएगा, तो इसको ले सकता हूँ, बट एक बार कोई और देख लेता हूँ ऐसा जो डायरेक्ट ट्रैक्टर पर अटैच हो जाए, अगर नहीं मिला तो फिर इसको ले लेंगे। एक ये वाला है, ये 25 मीटर का है, तो ये उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ये 25 मीटर है वो 40 फीट है, और मीटर 40 फीट से ज़्यादा होता है, तो 25 मीटर राउंड अबाउट 80 फीट से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो जो सारे के सारे ट्रेलर मिल रहे हैं वो सारे के सारे जो है ट्रक वाले हैं, और ट्रैक्टर वाला तो ये वाला है, इसमें जगह कम है, और फिर एक ट्रैक्टर का जो है ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा, इसमें भी जगह कम ही है, और मुझे वैसे यहाँ से एक ट्रैक्टर और छोटी मोटी चीज़ लेके जानी है, तो इसमें भी आ सकती है, तो एक काम करता हूँ यही वाला ले लेता हूँ और इस पर ट्राई करता हूँ, इस पर अगर सामान आ गया तो इसको भी लेके चल लूँगा। और ये मेरे को सही इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ट्रैक्टर से जो है ना डायरेक्ट अटैच हो जाएगा, मेरे को बीच में कुछ इसमें अलग से अटैच नहीं करना पड़ेगा, और इसको नॉर्मली ऐसे ही ले लेता हूँ। तो ये वाला ट्रैक्टर है, और ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, इसका इंजन भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एक बार मैं इसके पास यहाँ पे देखूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है, इसके टायर भी ऊंचे हैं, और शायद टायर इसके 5-6 फीट ऊंचे तो होंगे ही, और पीछे से देखूँ तो पीछे से भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है,
तो ये तो ठीक है। और ट्रेलर कहाँ पे आया है? ट्रेलर किधर ही इन्होंने डिलीवर किया है? ट्रेलर बिल्कुल साइड में डिलीवर कर दिया क्या? ट्रेलर यहाँ पे डिलीवर किया है। और ये ट्रेलर पे वैसे आ तो जाएगा, एक ट्रैक्टर लेके जाना है और बाकी ये बाइक लेके जानी है, ये लॉन मूवर लेके जाना है और ये डाईसाइकिल लेके जानी है। आ जाएंगे इजीली, कोई इशू नहीं है। पहले मैं जो है इस ट्रैक्टर को इधर साइड में लेके आऊँ। और इस ट्रैक्टर के मीटर में कुछ दिक्कत है मेरे को, यहाँ पे 2275 दिख रही है टॉप स्पीड। इतनी तो टॉप स्पीड किसी चीज़ की हो ही नहीं सकती, इतना तो पॉसिबल नहीं है। इसका मीटर शायद थोड़ा सा ख़राब है। और ये इतना ज़्यादा वाइड है कि जो है इसके मोड़ने के लिए भी काफ़ी सारी जगह चाहिए। और ये अगर किसी चीज़ से टच हो गया ना, जैसे इस ट्रैक्टर वैक्टर से टच हो गया, तो इस ट्रैक्टर को दबा ही देगा। इतना ज़्यादा ऊंचा है, ये सब इसके टायर के नीचे ही आ जाएंगे। और ये ट्रॉली से अटैच हो गई। और पहले मैं इसे जो है साइड में आराम से पार्क कर लूँ। और ट्रेलर का पीछे का रैंप मैंने खोल दिया है। और अभी जो है इस पे पीछे पहले तो यार ट्रैक्टर लोड कर देता हूँ। ये ट्रैक्टर जो है इस पे आराम से इजीली चढ़ जाएगा। ये रैंप काफ़ी नीचे है और इस ट्रैक्टर को ज़्यादा आगे लेके नहीं जाता, बस यहीं तक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बेल्ट बांधूँगा इसके अंदर। और इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, तीन चीज़ें हैं। ये लॉन मूवर भी तो है, पहले लॉन मूवर को पार्क कर लेता हूँ। और ये जो है एक ही रैम से चढ़ जाना चाहिए, वैसे इसके टायर थोड़े से उतर सकते हैं। चढ़ तो गया, बस इसको यहाँ पार्क कर दिया। बाकी बेल्ट से बांधूँगा तो ये कहीं नहीं गिरेंगे, यहीं पर रहेंगे। और ये ऐसे मैं अगर इस पर चढ़ाऊँगा तो ये जो है सही से पार्क नहीं होगी, इसको रिवर्स में लेके जाना पड़ेगा। रिवर्स में पर ये चढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसके दो टायर आ गए हैं, एक पीछे है। और पहले दो टायर ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर आराम से ऊपर पहुंच जाएगी। ऐसे जो है इसके लिए जगह ही नहीं बच रही, इसको रिवर्स में ट्राई करना पड़ेगा, ये रिवर्स में जा पाएगी। तो ये जो यहाँ पर अटक गई, कोई बात नहीं, इसको रैम पर ऐसे अटका के ले जाऊँगा बेल्ट बांध के। अब बस इस वाली को देख लेता हूँ। इसको तो वैसे मैंने जो है चला के भी ले जा सकता हूँ, एक काम करता हूँ इसको चला के लेके जाऊँगा, ट्रैक्टर को जो है ना ड्राइवर के थ्रू भेजता हूँ। और वैसे ना एक चीज़ हो सकती है कि मैं ना इसको उतार दूँ, पहले इसको नीचे उतारूँ, पहले बाइक को पार्क करता हूँ, तो यहाँ पर जो है बाइक ईजिली पार्क हो जाएगी और फिर बाद में इस लॉन मूवर को ऊपर पार्क कर दूँगा। हाँ अब ठीक है, अब ईजिली पार्क हो गई। अब यहाँ पे लॉन मूवर की जगह भी हो गई, लॉन मूवर भी आ जाएगा आराम से। ये हो गया इस पर पार्क। अब बस का रैंप बंद कर दूँ, एक बार इस ट्रैक्टर के इंटीरियर चेक कर लूँ और फिर ड्राइवर को यहाँ बुला लेता हूँ। अभी तो पहले बेल्ट बांधूँ सब चीज़ों के ऊपर ना, बेल्ट बांधनी बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों पर बंध गई बेल्ट, अब बस पीछे का रैंप बंद करके देखता हूँ रैम्प की वजह से थोड़ा इशू ना हो। हल्का सा तो जो है लॉन मूवर खिसका बट आ गया। और अब पीछे सारा सामान टाइटली पार्क हो गया, बेल्ट बंध गया तो गिरेगा भी नहीं। और एक बार इस ट्रैक्टर के मुझे इंटीरियर देखने थे, और इंटीरियर तो इसका कलर सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे वुड वाले इंटीरियर हो, बट ये नॉर्मल इंटीरियर है, बट कलर काफ़ी सही दिया है। और नीचे तो जो है ये स्टील का लगा हुआ है फ्लोर सारा का सारा, और कंट्रोल तो इसमें कुछ ज़्यादा ही है। और सिर्फ वॉकी टॉकी भी लगा हुआ है अंदर, ये रेडियो के कंट्रोल्स हैं सामने, तो ठीक है, अच्छे हैं इसके इंटीरियर। और अब ड्राइवर को साइन कर देता हूँ और मैं चलता हूँ इसके ऊपर, और ड्राइवर जो है इस ट्रैक्टर को लेके जाएगा। तो जो है यहीं भेजता हूँ अपनी पार्किंग के पास। ये वाली लोकेशन सेट कर दी और ये स्टार्ट जॉब कर दी। ड्राइवर आ गया, उसको लेके जा रहा है और मैं इसके साथ साथ ही जो है चल लेता हूँ पीछे पीछे इसके। और इसमें बैटरी तो अभी काफ़ी सारी है, और इसकी चार्जिंग के लिए अपने घर के पास तो लगा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जर, वहाँ पर चार्ज कर लूँगा। और अगर इसे मुझे खेतों पर रखना होगा तो वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक चार्जर लगा लूँगा। और इसकी जो है 40 की स्पीड है, और ट्रैक्टर की भी जो है इतने के आसपास ही होगी। अबे क्या कर रहे हैं ड्राइवर, पानी में गिराएगा ट्रैक्टर को, कहाँ अटका दिया। और रुक जा ओए, रुक जा भाई, रुक 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 रुक। और ये है कौन, ये तो लेडी ड्राइवर है और भाग गई। और ये ज़्यादा ही हैवी ड्राइवर थी, यहाँ फंसा के चली गई है। और इसने तो जो है अभी ट्रैक्टर को गिरा ही दिया था पानी के अंदर। अभी नया ट्रैक्टर इतना पावरफुल लिया और ट्रैक्टर ही गिरता, पीछे अपना इतना सारा सामान था वो भी गिरता पानी के अंदर। रैन दो, मैं खुद ही लेके चला जाऊंगा इस ट्रैक्टर को ना, और अपनी इस डाईसाइकिल को बाद में आके ले जाऊंगा। और वैसे रुक जाओ पीछे, खो ही देता हूँ पीछे, थोड़ी बहुत जगह होगी तो आ जाएगा, वैसे जगह है नहीं, थोड़ा उसको मैं जो है बाद में ले जाऊंगा, यहीं पे रहने देता हूँ।
और पीछे सारा सामान ना बेल्ट की वजह से बच गया। अगर पीछे बेल्ट नहीं होती ना तो पक्का ये सारा का सारा सामान आज जो है नदी के अंदर गिरा दिया था। और इसलिए मैं जब कोई बड़ी चीज़ या महंगी चीज़ भेजता हूँ इन ड्राइवर्स के थ्रू तो मैं साथ साथ चल लेता हूँ कि अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की तो मुझे पता चल जाएगा हैंड टू हैंड। बाकी ज़्यादा दूर तो है नहीं, इसको पार्किंग में ही पार्क करना है और सामने अपनी पार्किंग है। और फिलहाल तो इस ट्रैक्टर को यहाँ ही छोड़ देता हूँ, अब जो है इसको बाद में उतार लूँगा और पार्क कर लूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये सारा का सारा सामान अभी ज़रूरत का नहीं है। अभी तो जो है सिर्फ ग्रेप्स हार्वेस्ट करने हैं, और ग्रेप्स को हार्वेस्ट करने के बाद जो ग्रेप्स को ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए अपने पास छोटे वाला टेम्पो है, वो सामने खड़ा हुआ है, जो छोटे वाला थ्री व्हीलर है उससे कर दूँगा। और अभी मैं एक बार इसके अंदर देख लूँ कि मुर्गियों के हाल चाल क्या है। सही है, आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इनका खाना और पानी तो ऑटोमेटिकली आ रहा है इससे। और ठीक है, मैं यहाँ पे अभी और मुर्गियाँ ला सकता हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा यहाँ पे मुर्गियाँ और 5 आई कैपेसिटी है इसकी। और पहले यहाँ से थोड़े से एग्स वगैरह ले लूँ, एग्स इधर अभी आए नहीं है, ये सारे के सारे जो है क्रेट्स खाली रखी हुई हैं, थोड़े एग्स ये डिलीवर करना शुरू कर दें, उसके बाद यहाँ पे और मुर्गियाँ लेके आऊँगा। बाकी जो है मैं चल के अभी ग्रेप्स हार्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ओलिव्स वाला लेके आना था वो मैं भूल गया, एक ओलिव्स का हार्वेस्टर भी तो मुझे लाना था। ओलिव्स का हार्वेस्टर तो जो है मैं ड्राइवर से मंगा लेता हूँ, वहाँ से ड्राइवर लेके आ जाएगा, मैं परचेज कर लेता हूँ। ये ओलिव्स का हार्वेस्टर, और इससे भी जो है सीधा बाय कर लिया, और इसके लिए जो है एक ड्राइवर असाइन कर देता हूँ। ये हार्वेस्टर अपने वहाँ पर आ चुका है शोरूम पर, और इसको बुला लेता हूँ यहाँ पर अपनी पार्किंग के पास, या फिर इसको सीधा यहीं बुलाता हूँ, ओलिव्स के खेत के कॉर्नर पर ले आएगा। और ये स्टार्ट कर दिया और वहाँ से लेके आ रहा है, और अभी ये थोड़ी देर में इतना लेके आता है, इतने जो है मैं यहाँ पर और चीज़ें देख लेता हूँ। और इसको तो यहीं छोड़ता हूँ, इसको तो मैं यहीं पे यूज़ करूँगा, और इसको गाड़ी के साथ ही लगा रहने दूँगा, अगर कहीं मूव करना होगा तो आसान रहेगा। और वैसे ये बाइक को तो मैं उतार लूँ, इससे उतारना तो काफ़ी इजी है, उधर तो फटाफट जाती है। और अभी जो है यहाँ से अपना हार्वेस्टर भी आ रहा होगा ओलिव्स वाला, मैं थोड़ा आगे तक घूम आता हूँ, देख भी आता हूँ, इस बाइक को चला लेता हूँ, यहाँ पर सामने से हार्वेस्टर ही मुझे आते हुए दिख जाएगा, बस वो ड्राइवर कहीं रास्ते में अटका के जो है ना उसे गिरा विरा ना दे पानी वानी के अंदर। अभी तो यहाँ से दिख नहीं रहा, इस रोड तक तो नहीं आया, वो सामने वाले रोड पे होगा, ड्राइवर तो मैंने वहाँ साइन कर दिया था। इधर तक भी नहीं आया अभी, यहाँ इस वाले रोड पे ये आ रहा है सामने से, और ये कैसे चलाते हुए ला रहा है, अबे सीधा चलाते हुए लिया, टेढ़ा मेढ़ा चला के लेके आ रहा है, अब इसके पीछे पीछे चलूँगा। वैसे तो ये सही लेके जा रहा है, बट भरोसा नहीं है आगे जाए कहीं फंसा वसा दे, चलो उसके पीछे पीछे चलता हूँ। वो बचा के भाई, ओए क्या कर रहे, ओए अबे क्या कर रहे, ये बाइक दबा दी, अबे यहाँ कहाँ लेके गया, रास्ता तेरा वो वाला था, इधर ला के बाइक के ऊपर चढ़ा दिया, एक मिनट तू रुक, उतर यहाँ से। सारे के सारे जो है अलग ही हिसाब किताब है इनका, इनमें से जो है एक भी वर्कर सही से काम नहीं कर रहा है, ये सारे के सारे काम जो है मुझे ही करने पड़ रहे हैं। और मैं वहाँ साइड में था, रोड अलग था, फिर भी जो है उसने बाइक के ऊपर पूरा टायर चढ़ा दिया। तो एक बार से मैं जो है चला के देख भी लेता हूँ यहाँ पे कि ये ओलिव जो है हार्वेस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, बस यहाँ पर ठीक है। और इसका थोड़ा सा आगे से डिज़ाइन चेंज है, इसका थोड़ा सा वाइड है यहाँ से जो हार्वेस्ट करने के लिए, और इसे एक बार ऑन करके अब इससे देख लेता हूँ। हाँ, इससे हार्वेस्ट होने शुरू हो गए, और इसका यहाँ पे भी डिफरेंट है, इधर जो है ओलिव्स वगैरह यहाँ पे अंदर की साइड आ रहे हैं, उसमें कन्वेयर बेल्ट में आ रहे थे, और ये ओलिव्स जो है यहाँ से आके गिर रहे हैं, और इसमें जो है पीछे यहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। तो ये हार्वेस्टर दोनों के दोनों जो है देखने में सेम है, ओलिव्स का भी और ग्रेप्स का भी, बट थोड़ा सा जो है इनका काम करने का तरीका अलग है। अब यहाँ पर भी जो है सारा का सारा मैनुअली हार्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दोनों खेतों को धीरे धीरे करके मैं हार्वेस्ट करता रहूँगा। बाकी अभी इन हार्वेस्टर्स को मैंने प्रॉपर चेक तो कर लिया है, और अपने खेत यहाँ पे हार्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हैं, तो मैं अब जो है बाद में इन दोनों खेतों को हार्वेस्ट कर लूँगा। बाकी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन व्हीकल्स को मुझे प्रॉपरली पार्क करना है, और पार्किंग अब छोटी पड़ने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बड़ी पार्किंग लगा लूँ। फिलहाल जो पार्किंग है वो ये सामने वाली है, और यहाँ पर पार्किंग का अभी और भी स्पेस है, तो यहाँ पर मैं एक और पार्किंग के लिए अभी जो है काम करना स्टार्ट करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये ओलिव्स और ग्रेप्स को हार्वेस्ट करके पहुँचाऊँगा इनकी प्रोसेसिंग के लिए, और यहाँ पे जो है नई पार्किंग लगाऊंगा, और इधर काफी सारे चिकन्स मुझे परचेज करके लेके आने हैं। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।